तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये वाला पार्ट ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हैप्पी को, जो कि बहुत ही ज्यादा सैड होता है क्योंकि मिली ने उसके प्रपोजल को फिलहाल के लिए तो रिजेक्ट कर दिया है। एंड वो अपने ऑफिस में आता है और मिली के केबिन में जाकर उसकी ड्रॉइंग्स एंड उसके कप को देखने लगता है। हाय बेचारा। नेक्स्ट सीन में हम इक्वा को देखते हैं जो अपने डैड से हॉस्पिटल में मिलने आता है और उन्हें बताता है कि उसने क्विंग क्विंग से ब्रेकअप कर लिया है और अब वो मिस्टर ए की बेटी से शादी करने के लिए रेडी है। तो मिस्टर ए भी काफी खुश हो जाते हैं एंड वो ओके बोल देते हैं। देन हम नाना को देखते हैं जो अपने डैड को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोल रही होती है, बट उसके डैड उसे कहते हैं कि नहीं, पहले हमें ना हैप्पी के जनरल मैनेजर बनने तक वेट करना चाहिए और अगर हमने अभी डील साइन कर ली तो इससे हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। वही सेक्रेटरी चा हैप्पी की मॉम को कॉल करके बताते हैं कि क्विंग क्विंग पानी में कूद गई है, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। अब ये कुछ तो जरूरी करेंगी। और सीन शिफ्ट होता है एक्वा पर, जो कि मिस्टर ए की बेटी यानी मिली से मिलने के लिए आता है क्योंकि आज उन दोनों की डेट जो फिक्स की है, बट एक्वा तो क्विंग क्विंग के बारे में ही सोचे जा रहा होता है। देन तभी मिली भी वहाँ पर पहुँच जाती है क्योंकि अब वो वही करेगी जो उसके डैड उसे बोलेंगे। देन इक्वा उसे हेलो बोलता है क्योंकि वो पहली बार एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। एंड वो मिली की तारीफ करते हुए कहता है कि जितना मैंने आपके बारे में सुना था, आप उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। देन मिली उसे थैंक्स बोलती है तो इक्वा भी एक जेंटलमैन की तरह मिली के लिए चेयर पीछे करता है एंड दोनों बैठ जाते हैं। देन इक्वा मिली को पूछता है कि आप मुझसे एंगेजमेंट क्यों करना चाहती हो। तुम मिली उसे बताती है कि मेरे डैड की वजह से, और तुम? तो इक्वा उसे कहता है कि मैं भी मेरे डैड की वजह से, क्योंकि वो मुझे फोर्स कर रहे हैं। तो मिली कहती है कि हम दोनों की सिचुएशन सेम है, हम दोनों ही नहीं चाहते कि ये शादी हो। तो इस पर इक्वा कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या चाहते हैं, हमारी शादी तो बस एक बिजनेस डील है। एंड वो अपने फिंगर में जो एंगेजमेंट रिंग होती है उसे घुमाने लगता है। तो मिली उसे पूछती है कि क्या तुम एंगेज हो? वो एक्चुअली तुम इस रिंग की इतनी ज्यादा केयर कर रहे हो ना, उसी से मुझे पता चला, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? तो इक्वा भी उसे वो रिंग दे देता है। देन मिली उसे कहती है कि इट्स ब्यूटीफुल, बट क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता है कि तुम मुझसे एंगेजमेंट कर रहे हो? तो इक्वा उसे कहता है कि नहीं, बट बिफोर आई मेट यू मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। तो इस पर मिली कहती कि ओ, तब तो वो बहुत ही ज्यादा सैड होगी, है ना, क्योंकि वो भी इस फीलिंग को एक्सपीरियंस कर चुकी है। एंड वो उस रिंग को वाइन के ग्लास में डाल देती है ये देखने के लिए कि इस पर इक्वा कैसे रिएक्ट करेगा। देन तभी इक्वा उसे कहता है कि ये तुमने क्या किया, हाँ? एंड वो जल्दी से उस रिंग को उठाने लगता है। तो मिली उसे कहती है कि तुम ना उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करते हो और अब ये प्रूफ भी हो गया कि तुम उसे बहुत ही ज्यादा प्यार भी करते हो, बट तुम ये एंगेजमेंट क्यों करना चाहते हो? हाँ, तुम्हें तो उसके साथ रहना चाहिए। तो इक्वा मिली को बताता है कि वो मेरे बिजनेस में मुझे हेल्प नहीं कर सकती, इसलिए मेरे डैड हमेशा हमारी रिलेशनशिप के खिलाफ रहे, बट मुझे लगा कि कभी ना कभी तो वो हमें एक्सेप्ट कर ही लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे डैड की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं अपने प्यार को भुलाकर तुमसे शादी कर लूं और मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। देन मिली उसे पूछती है कि तुम अपने प्यार को सेक्रीफाइस करके अपने ग्रुप को बचाना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है? तो इस पर इक्वा कहता है कि एक तरफ मेरे डैड हैं और एक तरफ मेरा प्यार, आई हैव नो चॉइस। और उसकी इमोशनल बातों को सुनने के बाद मिली भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। देन नेक्स्ट डे दोनों की एंगेजमेंट के लिए हॉल, गेस्ट एंड सारा कुछ रेडी होता है। देन हैप्पी की मॉम सेक्रेटरी चा को बोलती है कि क्या सब कुछ रेडी है? देन वो भी कहते हैं कि हाँ ओके, सारा कुछ रेडी है। अब पक्का ये कुछ तो कांड जरूर करेंगे ताकि ये एंगेजमेंट ना हो। एंड तभी हैप्पी भी नाना के साथ वहाँ पर आ जाता है। अब भाई उसके भाई की एंगेजमेंट है तो वो तो आएगा ही, बट अभी तक बेचारे हैप्पी को तो ये पता ही नहीं है कि इक्वा की एंगेजमेंट आखिर हो किससे रही है। देन एंट्री होती है मिली और इक्वा की, और मिली को देखने के बाद तो हैप्पी की मॉम को एक जोरदार झटका ही लगता है। एंड वो कहती है कि अरे ये तो वो मेड है ना, क्योंकि पता तो उन्हें भी नहीं था कि मिली असल में है कौन। वही हैप्पी भी अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा होता है। देन तभी नाना भी मिली को देखती है एंड वो भी शॉक होकर कहती है कि अरे ये तो मिली है ना। तो जैसे ही हैप्पी मिली का नाम सुनकर उसकी तरफ देखता है तो भाई उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक जाती है एंड उसके हाथ में जो वाइन ग्लास होता है वो नीचे गिर जाता है। वही मिली भी हैप्पी को देखकर एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हैप्पी भी यहाँ होगा। वही सभी लोग हैप्पी की तरफ देखे जा रहे होते हैं। देन हैप्पी मिली के पास जाता है एंड पहले तो वो इक्वा और मिली को एक साथ देखता है। देन मिली को वो कहता है कि तो क्या तुम ही ईएमटी ग्रुप की बेटी हो? तो इस पर मिली उसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। देन हैप्पी फाइनली रिवील करता है कि वो और इक्वा भाई हैं, जिसे सुनने के बाद तो मिली को और भी ज्यादा शौक लग जाता है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि हैप्पी और इक्वा भाई हैं। देन इक्वा भी मिली को कंफर्म करता है कि हाँ हम भाई हैं और वो उन्हें क्वेश्चन करता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो?
तो अब वो इग्वा को क्या ही बताएं कि वो एक दूसरे को कैसे जानते हैं। भाई हैप्पी और मिली तो बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं, क्योंकि सडनली आपने कल जिस लड़की को प्रपोज किया था और आज आपको पता चले कि उसकी एंगेजमेंट आपके भाई से होने वाली है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। हाँ, एंड हैप्पी कहता है कि नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते, एंड वो वहाँ से जाने लगता है। देन मिली भी इमोशनल हो जाती है और वो हैप्पी को रोकना तो चाहती थी, बट वो उसे कुछ कह ही नहीं पा रही होती और हैप्पी वहाँ से चला जाता है। देन नाना हैप्पी के पीछे जाती है और उसे बार बार पूछे जा रही होती कि क्या हुआ, बट हैप्पी उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, और मेरा पीछा मत करो, एंड वो वहाँ से चला जाता है। बट नाना कहाँ उसकी बात मानने वाली थी, एंड वो भी उसका पीछा करती है। और वही इंगेजमेंट हॉल में भी इंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। देन मिली इक्वा को कहती है कि जो भी मैं अभी करने वाली हूँ ना, वो कोई मैटर नहीं करता, बट तुम ना मुझे रोकना मत। देन इस पर इक्वा उसे पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग। हाँ, देन तभी मिली इंगेजमेंट होस्ट करने वाले बंदे से उसका माइक ले लेती है, एंड वो अपने डैड को कहती है कि मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, एंड वो अपने डैड को काफी ज्यादा इमोशनली बातें करने लगती है कि लाइक अब इस दुनिया के सबसे ज्यादा बेस्ट डैड हो, आपने मेरे लिए सब कुछ किया, मुझे जो भी चाहिए था वो आपने मेरे बगैर कहे मुझे ला कर दिया, और मैं आपके लिए हमेशा एक छोटी बच्ची ही रहूंगी, इसलिए आप मुझे हमेशा से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सो थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि मुझे क्या चाहिए, क्या आपने कभी मुझसे ये पूछा है कि मुझे क्या करना है। और वहीं इक्वा और बाकी सभी लोग भी बस मिली को ही देखे जा रहे होते हैं कि ये क्या बोल रही है। देन वो आगे कहती है कि आपने हमेशा ही मुझे चॉइस दी, इवन आज भी आपने मुझे इस एंगेजमेंट को करने के लिए फोर्स किया, बट आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहती, और ना ही मुझे EMT को संभालना है, मुझे वो चाहिए ही नहीं, मेरा ड्रीम तो बस एक डिजाइनर बनने का है, और वो भी अपने एफर्ट से। बट तभी मिस्टर ए अपनी गार्ड को मिली की स्पीच रोकने को बोलते हैं, लेकिन तभी सेक्रेटरी चा सभी मीडिया एंड रिपोर्टर्स को मिली के सामने जाने का ऑर्डर दे देते हैं, जिसकी वजह से वो गार्ड मिली को रोक ही नहीं पाती, तो मिस्टर ए मिली पर काफी जोर से चिल्ला जाते हैं और सभी रिपोर्टर्स का फोकस उनकी तरफ हो जाता है, बट मिली तो बोले ही जा रही होती है। देन मिस्टर ए उसे रोकने के लिए जाने लगते हैं, तो हैप्पी की मॉम उन्हें कहती है कि अभी सभी रिपोर्टर्स और मीडिया यहीं पर हैं, तो आपको थोड़ा शांत रहना होगा, एंड वो उन्हें वेट करने का बोल दिए, क्योंकि चाहती तो वो भी नहीं है कि ये शादी हो, क्योंकि अगर ये शादी हुई तो इक्वा ही ग्रुप का चेयरमैन बन जाएगा और हैप्पी का ही ग्रुप से हो जाएगा पत्ता कट। बट तभी मिस्टर ही इक्वा को एंगेजमेंट कंटिन्यू करने का बोलते हैं, तो बेचारा इक्वा भी मिली को कहता है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या हम कंटिन्यू करें। देन मिली उसे कहती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे एंगेजमेंट करना चाहते हो, बट तभी इक्वा को एक मैसेज आता है। देन इक्वा उस वीडियो को देखता है जिसमें कुंग कुंग पानी में कूदने के लिए जा रही होती है, जिसे देखकर इक्वा को तो एकदम शॉक ही लग जाता है और उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे लगा कि उसने तो अब कुंग कुंग को खो ही दिया। बट तभी वहाँ पर कुंग कुंग आ जाती है, एंड वहाँ खड़े सभी लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि अब ये कौन है, और सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। देन इक्वा जल्दी से कुंग कुंग के पास जाता है एंड उसे हग कर लेता है और उसे कहता है कि मुझे तो लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो ही दिया, बट तभी कुंग कुंग उसे एंगेजमेंट करने से मना करने लगती है। और वहीं मिली भी उस वीडियो को देखती है एंड वो कुंग कुंग को बताती है कि वो ये एंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अपनी बिजनेस डील पहले ही साइन कर ली है, तो ये EMT और मेरी तरफ से तुम्हें तुम्हारी एंगेजमेंट का गिफ्ट है और EMT ही ग्रुप में इन्वेस्ट जरूर करेगी। देन वो दोनों की एंगेजमेंट को अनाउंस करती है। देन अगले सीन में हम देखते हैं हैप्पी को जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने ऑफिस आता है एंड वो लीफे को कहता है कि किसी को भी उसके केबिन में ना आने दे, एंड वो अपने केबिन में चला जाता है और अंदर जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। देन वो मिली की और अपनी मेमोरीज को याद करने लगता है कि लाइक जब वो पहली बार मिले थे तो उनके बीच कितना बड़ा पंगा हो गया था, एंड फिर मिली कैसे उसके घर आ गई थी, और ये सोचते सोचते सडनली हैप्पी के फेस पर स्माइल आने लगती है, क्योंकि उनकी ये सारी मेमोरीज होती भी तो इतनी ज्यादा क्यूट ही हैं। देन सडनली उसके सामने इक्वा और मिली की एंगेजमेंट वाली मेमोरी आ जाती है एंड हैप्पी की वो स्माइल तो जैसे भाग ही जाती है और उसकी जगह ले लेती है सैडनेस। बेचारा इतना ज्यादा सैड होता है कि वो तो रोने ही लगता है। अब अगर ये थोड़ी देर और वहाँ पर रुक जाता तो इसका क्या बिगड़ जाता। हाँ, इसे पता तो चल जाता कि एंगेजमेंट हुई नहीं, तो इसे इतना ज्यादा दुख भी नहीं होता, बट वो ड्रामा ही क्या जिसमें ट्विस्ट ना हो। देन हम मिस्टर ए को देखते हैं जो मिली पर गुस्सा रहे होते हैं एंड वो उसे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, और बस कमी थी तो फंक्शन की। देन वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है एंड वो मिस्टर ए को कहता है कि हाउ कुड यू डू दिस। हाँ, बट मिस्टर ए उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मुझसे और मेरी बेटी से दूरी रहो, समझे। तो फंक्शन उन्हें कहता है कि अब आपका मुझ पर कोई भी एहसान नहीं है, क्योंकि मैं आपका सब कुछ आपको वापस कर चुका हूँ और अब बस मुझे मेरी मिली चाहिए। तो मिस्टर ए जैसे ही फंक्शन को पंच करने वाले होते हैं तभी मिली उन्हें रोक देती है एंड वो उन्हें कहती है कि क्या मैं कोई चीज हूँ जो आप दोनों ही मुझे खरीदना चाहते हो। हाँ, कोई मेरी फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं सोचता।
तो मिस्टर ए उसकी बातों को सुनने के बाद फंक्शन को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। देन अगले सीन में हम नाना को देखते हैं जो हैप्पी को फॉलो करते हुए उसके ऑफिस तक आ जाती है एंड वो उसके केबिन में जाने लगती है, बट लीफे उसे रोक देती है और उसे बताती है कि मिस्टर हैप्पी ने किसी को भी केबिन में आने से मना किया है। तो नाना उसे कहती है कि किसी को भी कहा है बट मैं उसकी फियांसी हूँ। पर तभी हैप्पी अपने केबिन से बाहर निकलता है और वो दोनों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है और नाना भी उसके पीछे चली जाती है। देन हम देखते हैं मिस्टर ए को जो घर आने के बाद अपने एक आदमी को ही ग्रुप में कॉल करने को बोलते हैं एंड वो उन्हें कहते हैं कि उन्हें ये बता देना कि मिली और इक्वा ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, हम उसे कैंसिल कर रहे हैं और अब EMT ही ग्रुप में इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो मिली उन्हें पूछती है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों कर रहे हैं, तो उसके डैड उसे कहते हैं कि जैसे तुमने ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दी वैसे मुझे भी राइट्स हैं कि मैं इस डील को कैंसिल कर दूं। देन मिली उन्हें पूछती है कि अरे अभी तो आप बड़ा मुझे फोर्स किए जा रहे थे ही ग्रुप में शादी करने के लिए, तो अब क्या हुआ, आप मेरी शादी से एडवांटेज उठाना चाहते थे। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है एंड वो मिली पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। मैं तुम्हारी शादी ही ग्रुप को हेल्प करने के लिए इक्वा से नहीं करवा रहा था, मुझे ही ग्रुप चाहिए इसीलिए तुम्हारी शादी उससे करवा रहा था, बट नहीं तुमने तो सब कुछ खराब कर दिया। तो मिली उन्हें पूछती है कि क्यों, आपको ही ग्रुप क्यों चाहिए। देन वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ एंड वो अपना करेक्ट रीजन तो नहीं बताते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट मैं आपको छोटी सी हिंट जरूर दे देती हूँ कि ये सब कुछ ना मिस्टर ही के पास्ट से कनेक्टेड है। देन मिली कहती है कि मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, डिड यू थिंक अबाउट माई फीलिंग, आई टेल यू मुझे आपसे आपका कुछ नहीं चाहिए, आई हेट यू सो मच। एंड उसके डैड भी उसे गुस्से में कहते हैं कि ओके फाइन, तो मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे बिना अपनी लाइफ कैसे जीते हो। एंड वो मिली को घर से जाने का बोल देते हैं, तो मिली भी वहाँ से चली जाती है। देन हम इक्वा और कुनकुन को देखते हैं जो फिर से बीच साइड पर मिलते हैं। देन इक्वा कुनकुन से माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसने उससे ब्रेकअप जो कर लिया था। देन वो कहता है कि मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम अपने आप को हर्ट कर लोगी। तो कुनकुन उसे कहती है कि मुझे भी ये नहीं लगा था और मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे बिना भी अपनी लाइफ को जी सकती हूँ, बट जब तुम मुझे छोड़कर चले गए तब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम और तुम्हारी दी हुई वो एंगेजमेंट रिंग मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं उसे लेने के लिए चली गई, बट मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं डूबने लगूंगी और ये एक्सीडेंट हो गया, लेकिन थैंक्स टू सेक्रेटरी चा उन्होंने मुझे बचा लिया। देन हम फ्लैशबैक देखते हैं कि सेक्रेटरी चा कुनकुन को हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पर हैप्पी की मॉम उसे मिलने आती हैं एंड वो कुनकुन को कह रही होती हैं कि तुम इक्वा को ऐसे कैसे छोड़ सकती हो, तुम उसे इतना ज्यादा प्यार करती हो, क्या तुम अपने प्यार के लिए फाइट नहीं करोगी। और इक्वा को कुनकुन की डूबने वाली वीडियो और कुनकुन को एंगेजमेंट हॉल तक लाने का ये सारा कुछ प्लान ना उन्हीं का था, तभी तो वो एंगेजमेंट वाले दिन सेक्रेटरी चा को पूछ रही थी कि सारा कुछ रेडी है ना, ताकि इक्वा शादी से मना कर दे और मिस्टर ही इक्वा को रिप्लेस करके हैप्पी को जनरल मैनेजर बना दे। देन सब कुछ सुनने के बाद इक्वा सोचने लगता है कि आखिर हैप्पी की मॉम उसके लिए ऐसा क्यों करेंगी, क्योंकि वो तो कभी इक्वा को पसंद नहीं करती, बट जो भी हो अभी तो दोनों साथ में ही हैं एंड दोनों हग करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। देन सीन कट होता है एंड हम देखते हैं नाना को जो हैप्पी के घर पे होती है एंड वो मिली का सारा सामान पैक करके हैप्पी को कहती है कि क्या मैं इस सामान को फेंक दूं। देन हैप्पी उसे कहता है कि मैं इस सब से खुद ही डील कर लूंगा, ओके यू कैन लीव। बट तभी मिली हैप्पी के घर उसे मिलने आती है ताकि वो उसे सारा कुछ एक्सप्लेन कर सके, बट नाना नाम की चुड़ैल तो पहले ही वहाँ पर होती है। देन वो उसे कहती है कि तुम बिना दरवाजा नोक किए ही अंदर कैसे आ गई। हाँ, तो इस पर मिली उसे कहती है कि डोर पहले से ही खुला था, ओके, और मुझे ना हैप्पी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। एंड वो हैप्पी के पास जाने लगती है, बट नाना उसे इतनी आसानी से कहाँ जाने देने वाली थी। देन वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें मेड कहूँ या फिर सिस्टर इन लॉ, तो इस पर मिली कहती है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ओके, एंड यू आर नथिंग फॉर मी। देन नाना कहती है कि शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, ओके, कि मेरी और हैप्पी की शादी होने वाली है और मैं उसकी फियांसी हूँ। देन मिली उसे कहती है कि हमेशा तुम ही बोलती रहती हो कि तुम उसकी फियांसी हो, पर क्या कभी उसने ये कहा है कि वो तुम्हारा फियांसी है। देन तभी हैप्पी कहता है कि यू आर राइट, और वो तो मिली से बहुत ही ज्यादा नाराज एंड गुस्से में होता है और वो मिली को कहता है कि नाना इज माय फियांसे एंड सॉरी कि मैंने तुम्हें ये पहले नहीं बताया। और हैप्पी के मुंह से ये सुनने के बाद तो बेचारी मिली एकदम ही सैड हो जाती है, बट तभी नाना उसे कहती है कि देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, एंड वो तो बोले ही जा रही होती है। बट तभी मिली हैप्पी को ये बताने की ट्राई करती है कि उसकी और इक्वा की एंगेजमेंट तो हुई ही नहीं है, लेकिन हैप्पी उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना और मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहता, एंड वो अपने रूम में चला जाता है। और नाना तो बस इसी का वेट ही कर रही थी और वो मिली को उसके सामान के साथ हैप्पी के घर से बाहर निकाल देती है। देन वो मिली को वॉर्न करती है कि वो हैप्पी से दूर रहे और अंदर चली जाती है। वही मिली भी बस रोए जा रही होती है क्योंकि जब बंदा उसकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है देन वो उसे क्या ही एक्सप्लेन करे, एंड वो अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लगती है।
वही हैप्पी भी उसे ऊपर से जाते हुए देखे जा रहा होता है क्योंकि फील तो उसे भी हो रहा होता है। देन हम कुंग कुंग और इक्वा को देखते हैं जो फाइनली घर आने के बाद मिस्टर ही को मना रहे होते हैं उनकी रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने के लिए, पर मिस्टर ही तो इक्वा को एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। देन कुंग कुंग बीच में आ जाती है और वो उन्हें कहती है कि आप मुझे इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना क्योंकि मेरे पास पैसे और पावर नहीं है, बट क्या मैं आपको पूछ सकती हूँ कि जब आप यंग थे क्या आपके पास सब कुछ था? नहीं ना, आपने खुद इतने बड़े ही ग्रुप को खड़ा किया है। देन तभी इक्वा कुंग कुंग की बातें सुनने के बाद कहता है कि यस डैड आई विल हेल्प यू और मैं ही ग्रुप को बैंकक्रप्ट नहीं होने दूंगा। देन तभी हैप्पी की मॉम कहती है कि अब ही ग्रुप के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तो EMT के साथ डील साइन कर ली है ना। बट तभी मीडिया में इन दोनों की एंगेजमेंट की न्यूज रिवील हो चुकी है तो बेटर है कि आप भी इनकी शादी के लिए मान जाओ। लेकिन तभी मिस्टर ही को मिली के डैड कॉल करके बताते हैं कि उन्होंने ये डील कैंसिल कर दी है और अगर अब वो चाहते हैं कि EMT ही ग्रुप को फाइनेंशियली सपोर्ट करे तो इसके लिए उन्हें ही ग्रुप को EMT को सेल करना होगा और अगर वो उनका ये ऑफर नहीं मानेंगे देन वो इसके लिए प्रिपेयर रहे। अब ये सुनने के बाद तो मिस्टर ही की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है एंड वो बेहोश ही हो जाते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। देन वो उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। देन हम नाना को देखते हैं जो हैप्पी के घर पे होती है एंड बढ़िया से हैप्पी के लिए डिनर रेडी करती है। देन वो जैसे ही हैप्पी को बुलाने के लिए जा रही होती है बट हैप्पी तो जल्दी से हॉस्पिटल जा रहा होता है तो नाना भी उसके साथ चली जाती है एंड हॉस्पिटल में भी सभी लोग एकदम टेंशन में होते हैं कि पता नहीं मिस्टर ही की कंडीशन कैसी है। और ये वाला पार्ट ना यहीं पे खत्म होता है। और कमेंट एंड लाइक करने में इतना ज्यादा कंजूसी क्यों करते हो यार, प्लीज कर दिया करो। सी यू फॉर दी नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा, बाय बाय।